हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्टूडियो एसोसिएट्स। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टी लॉ इंक्लूडिंग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड ईजमेंट एक्ट। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन करें। अब प्रॉपर्टी लॉ का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉ का जो ये 2005 का प्रश्न पत्र है, इससे हमको ये पता चलेगा कि हमें एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कौन सी संपत्तियां अंतरित नहीं की जा सकती हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है निहित हितों को परिभाषित कीजिए। पांचवा प्रश्न है अचल संपत्ति को परिभाषित कीजिए। इसके बाद छठा प्रश्न है यथाशक्य संपत्ति सिद्धांत को समझाइए। सातवां प्रश्न है लंबित वाद के सिद्धांत को समझाइए। आठवां प्रश्न है अंशपालन के सिद्धांत को समझाइए। इसके बाद जो नवा प्रश्न है वो है पूर्विकता के सिद्धांत को समझाइए। आठवां है बंधक को परिभाषित कीजिए। इसके बाद जो ग्यारहवां प्रश्न है वो है मोचन की साम्या को परिभाषित कीजिए। इसके बाद बारहवां प्रश्न है किन परिस्थितियों में एक दृश्यमान स्वामी द्वारा अचल संपत्ति का अंतरण वास्तविक स्वामी पर बाध्य होगा। और इसके बाद जो तेरहवां प्रश्न है वो है विक्रय तथा विक्रय के करार में अंतर बताइए। चौदहवां प्रश्न है पट्टा अधिनियम के संबंध में क्या विविधिक उपधारणाएँ हैं। इसके बाद जो पंद्रहवां प्रश्न है वो सूचना पर एक टिप्पणी लिखिए। सोलहवां प्रश्न है आवश्यकता के सुखाचार एवं सुखाचार के सदृश अधिकार को समझाइए। सत्रहवां प्रश्न है वे अधिकार क्या हैं जो चिरभोग द्वारा अर्जित नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद अठारहवां प्रश्न है सुखाचार के पुनः परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। इसके बाद जो उन्नीसवां प्रश्न है वो है अनुयोज्य दावों के अंतरण को समझाइए। अब सेक्शन सी का जो बीसवां प्रश्न है अनुज्ञप्ति कब विखंडनीय मानी जाती है। इसके बाद जो सेक्शन सी का पहला प्रश्न है इक्कीसवां वो है वो जो किसी विलेख या वसीयत या अन्य परलेख को स्वीकार कर परलेख की सभी प्रविष्टियां ग्रहण करनी चाहिए, उसके उपबंधों के कार्य करना चाहिए, उससे असंगत सभी अधिकार को त्याग देना चाहिए, टिप्पणी कीजिए। इसके बाद इसका जो सेकंड प्रश्न है लॉन्ग में वो है भार को परिभाषित कीजिए। इसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए एवं बंधक के मध्य अंतर बताइए। इसके बाद जो इसका सबसे लास्ट है वो है सुखा अधिकार को परिभाषित कीजिए। इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। सुखाधिकार एवं अनुज्ञप्ति में अंतर समझाइए।